subscribe now for all the latest and trending updates. पवित्र मुनिया पर पारस छाबड़ा ने किए हैं 3 बड़े खुलासे। खैर, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल इन ट्रेंड न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें। भाई, पारस छाबड़ा ने पवित्र पुनिया के बारे में बात करते हुए कई सारी बातें बताई, जहां उन्होंने कहा कि मैंने सुना है कि पवित्र पुनिया बिग बॉस सीजन 14 के घर के अंदर जाने से पहले बहुत सारी बकवास बातें बोल की गई हैं मेरे बारे में। अब इस पर पारस छाबड़ा ने कई सारी बातों का खुलासा कर दिया है। सबसे पहले तो पारस छाबड़ा ये कहते हैं कि देखो, बिग बॉस के घर के अंदर वो खुद एक्सपोज हो चुकी है। वो खुद बिग बॉस के घर के अंदर कह चुकी है कि वो एक टाइम पर डबल डेटिंग कर रही थी। पारस छाबड़ा ने कहा कि पवित्र पुण्या जो है वो पवित्र है ही नहीं, उसका नाम ही गलत है, वो अपवित्र है। दूसरी बात उन्होंने ये भी कही कि जब ये बिग बॉस 14 के घर के अंदर गई थी तब बहुत सारी बातें जो मेरे बारे में बोल के गई हैं वो सरासर बकवास हैं, और बिग बॉस 14 में वो खुद कह चुकी है कि डबल डेट कर रही थी, इससे वो खुद एक्सपोज होती है। डबल डेट ऊपर से शादीशुदा। जी हाँ, पारस छाबड़ा कहते हुए नजर आए कि बहुत ज़्यादा झूठ बोले हैं उन्होंने। इसके अलावा पारस ने ये भी कहा कि मैंने सुना कि वो इंटरव्यू में कह के गई हैं कि गलती है पारस छाबड़ा मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी। तो भाई, गलती तो होंगे ही, जब आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं, जब आप मैरिड हैं तो आप रिश्ते में किस लिए हैं? रिश्ते में रहेंगी तो गलती तो करेंगी ही। उसके अलावा पारस छाबड़ा ये भी कहते हुए नजर आए कि मैंने हाल ही में राहुल वैद्य और पवित्र पुण्या के बीच की एक बातचीत देखी थी, जब पवित्र कहती हुई नजर आई कि वो अपने बॉयफ्रेंड को इतना फ्रीडम देंगी कि बाहर कहीं भी मुंह मार कर आए, लेकिन घर पर जब आए तो सब कुछ बाहर छोड़ कर आए और उनको इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इस पर पारस छाबड़ा कहते हुए नजर आए कि उसने मुझे भी यही बोला था। तीसरी बात पारस छाबड़ा ने ये बोली जब उनसे कहा गया कि एजाज खान और पवित्र पुण्या के बीच थोड़ी बहुत नजदीकियां देखने को मिल रही हैं, क्या आपको लग रहा है कि आगे इनके बीच कुछ हो सकता है? तो फिर पारस छाबड़ा कहते हुए नजर आते हैं कि भाई बिल्कुल मत करना, बर्बाद हो जाओगे। और साथ ही साथ वो ये भी कहते हुए नजर आए कि अपवित्र हो जाएगा लड़का, दूर रहे पवित्र पुण्या से, बहुत बढ़िया रहेगा। भाई, ये 3 बड़ी बातें बोल दी हैं पारस छाबड़ा ने पवित्र पुण्या के बारे में, और साथ ही साथ कह रहे हैं वो कि बहुत सारी बकवास वो बोल कर गई हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इन सब पर, हमें नीचे कमेंट सेक्शन के जरिए अपनी राय जरूर बताएं, और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए जुड़ रही हमारे चैनल इंटरनेट न्यूज़ के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब नाउ फॉर ऑल द लेटेस्ट एंड ट्रेंडिंग अपडेट्स।